और संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मुझे जितना लग रहा है कि शायद आप सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ही हैं, जहां पर इस वक्त पूछताछ चल रही है। तो फिलहाल कितने देर से पूछताछ अभी तक जारी है, अर्पिता के साथ भी और पार्थो के साथ भी? देखिए अमित, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें जो लगभग 50 करोड़ रुपए कैश की रिकवरी अब तक ईडी कर चुकी है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ईडी के रडार पर एक आईएएस अफसर समेत 3 महिलाएं और जो है वो ईडी के रडार पर है। और सबसे खास बात कि ईडी की जो रेड्स है उसमें एक डायमंड रिंग भी मिली थी, जिसके ऊपर पी लिखा हुआ था। माना जा रहा है कि अर्पिता के घर पर जो रिंग मिली है डायमंड, वो पार्था चटर्जी ने जो है वो अर्पिता को दी थी। इसके अलावा टीचर, जो ईडी को शक है कि टीचर भर्ती जो घोटाला है, इसके अलावा भी कुछ घोटाले हुए हैं जिसका ये पैसा था। और इसकी सबसे अहम कड़ी ये है कि ये पैसा यहीं तक नहीं था, ये सिर्फ बानगी भर है। 50 करोड़ रुपए की रिकवरी के अलावा और भी पैसा है जिसको अभी छुपाया गया है, जिसकी तफ्तीश जो है वो अभी ईडी कर रही है। सबसे अहम जो किरदार यहां पर है अर्पिता मुखर्जी से जब पूछताछ ईडी ने की है, तो उसका कहना यह था कि ये जो पैसा है वो उसका नहीं है, ये पार्था चटर्जी का पैसा है। उसके लोग उसके फ्लैट पर आते थे, एक कमरा था, उसके अंदर वो पैसे एक अलमारी के अंदर रखते थे और उसके बाद वही लोग ताला मार के चले जाते थे। ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, इसकी जानकारी उसको नहीं है। यही कारण है कि ईडी जो है वो अब पार्था चटर्जी और इसके अलावा अर्पिता जो मुखर्जी है उसको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। और इसमें सबसे अहम यहां पर ये भी है कि 3 बैंक अकाउंट भी ईडी ने सीज किए हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपया ईडी को मिला है। तो 50 करोड़ की रिकवरी के अलावा जो 3 बैंक अकाउंट सीज किए हैं उसमें भी 2.5 करोड़ रुपए हैं। सबसे अहम बात यहां पर अमित, अगर हम टोटल सीजर की बात करें तो जो कल जो सीज किया गया है वो 27.90 करोड़ रुपया जो है वो ईडी ने कैश रिकवर किया है, जो कि 2,500 के नोट थे। इसके अलावा पहले जो रेट्स हुई थी, जो कि लास्ट वीक रेट्स हुई थी, उसमें 21.90 करोड़ रुपया कैश ईडी ने रिकवर किया था। तो अब तक लगभग 50.36 करोड़ रुपया कैश ईडी इस पूरे भर्ती घोटाले के अंदर, शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर रिकवर कर चुकी है। और इसके अलावा 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड, जिसमें जो सोने की ईंटें हैं, ब्रेसलेट है, उनको जो है वो ईडी ने सीज किया है। 76 लाख का जो गोल्ड है वो लास्ट वीक सीज किया था। तो अब तक लगभग 5.07 करोड़ रुपए का गोल्ड जो है वो ईडी अब तक इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे घोटाले के अंदर सीज कर चुकी है। तो अगर हम बात करें कैश की, तो 50.36 करोड़ रुपया अब तक ईडी जो है वो कैश रिकवर कर चुकी है। और इसके अलावा 5.07 करोड़ रुपए का गोल्ड जो है वो ईडी ने रिकवर किया है। तो टोटल रिकवरी की बात करें, सीजर की बात करें, तो ये जो सीजर है वो 55.43 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि 3 बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए थे। तो अर्पिता और पार्था जो चटर्जी है, इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। और ईडी के सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ बानगी भर है, और भी कैश कई जगह छुपा हुआ है, जिसके लिए ईडी लगातार रेट कर रही है। आगे भी जैसे खुलते जा रहे हैं और कैशों का अंबार मिलता जा रहा है, वैसे तो अभी और भी कितने फ्लैट्स हैं जो पार्थो चटर्जी के या फिर अर्पिता के नाम से होंगे, जब उन्हें खोला जाएगा तो वहां पर कितना कैश बरामद होगा, इसके लिए सब आप इंतजार कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।